26 अक्टूबर को WHO की बैठक, कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने पर होगा विचार। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 166 मौतें, अब तक 1.9 लाख से कम एक्टिव केस। शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर, सेंसेक्स 212 अंकों की उछाल के साथ खुला। SKM का आज रेल रोको आंदोलन, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रदर्शन। यूपी दिल्ली रूट की कुछ ट्रेनें रद्द और डायवर्ट। युवती को सरेरा थप्पड़ मारने का मामला, बुलेट सवार युवक ने युवती को मारा थप्पड़, बिना नंबर प्लेट के बुलेट लेकर घूम रहा था युवक। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज यानी 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। ऐसे में किसान आंदोलन के चलते कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने यूपी दिल्ली रूट की कुछ ट्रेनें रद्द और डायवर्ट कर दी है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आज लखीमपुर हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया है, जिसका असर कई ट्रेनों पर दिखेगा। आपको बता दें, रेल रोको प्रदर्शन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसके चलते सभी मार्गों पर 6 घंटे के लिए रेल यातायात को रोका जाएगा। बता दें, केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे विभिन्न किसान संगठनों के संयुक्त मंच SKM ने एक बयान में रविवार को कहा कि जब तक लखीमपुर खीरी मामले में न्याय नहीं मिल जाता, प्रदर्शन और तेज होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज यानी 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। ऐसे में किसान आंदोलन के चलते कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आज लखीमपुर हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन करने के ऐलान कर दिया है। वहीं इसको लेकर राकेश टिकैत ने भी क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह होगा, वो गांव वालों को, डिस्ट्रिक्ट वालों को, सबको पता रहता है कि आपको कहाँ रोकना ही है। यहाँ पे गाजियाबाद की बात करें तो मोदी नगर है, मेरठ की बात करें तो परतापुर और उसके आसपास है, और मुजफ्फरनगर में 2-3 जगह है, सहारनपुर में है, इसी तरह से ये लखनऊ वाली बेल्ट पे, तो पूरे देश भर में है। वहाँ के लोगों को पता रहता है कि हमको कहाँ ट्रेन रोकनी है। हमारे से भारत सरकार ने अभी कोई बातचीत नहीं करी है। जब तक अजय टेनी गिरफ्तार नहीं होता, यह आंदोलन जारी रहेंगे, इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे, मीटिंगें होती रहेंगी। तो अब तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से रेल रोको प्रदर्शन जारी है। देश में कई जगह से तस्वीरें सामने आ रही है, किसानों ने रेल रोकने का प्रयास किया है। रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान, रेलवे स्टेशन पर पुलिस भी मौजूद है और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन की आह्वान किया गया है, जिसके चलते कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। दिल्ली यूपी रूट पर कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो कुछ ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज देश के अलग अलग राज्य से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पुलिस भी चौकस है, तैनात है, और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि आम यात्रियों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, और अगर प्रदर्शनकारी किसान रेल रोकने की कोशिश करते हैं तो कोई अप्रिय घटना ना हो सके। वहीं किसानों ने कई जगह पर रेल रोकने का प्रयास किया गया, हालांकि पुलिस के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। रेलवे ट्रैक पर कई जगह बैठे हुए दिखाई दिए प्रदर्शनकारी किसान, तो वहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि किसान पटरियों पर बैठे हैं और रूट को डायवर्ट कर दिया गया है। रेल रोको आंदोलन के चलते रेल विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है कि रूट को डायवर्ट किया जाएगा, तो वहीं कुछ जगह ट्रेनों को 6 घंटे के लिए रद्द भी किया जाएगा। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं,
कहीं पे किसानों ने रोकने का प्रयास किया है ट्रेन को। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर पुलिस मौजूद है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अभी आपने सुना कि किस तरह से राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी केंद्र के साथ कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हर जिले और हर राज्य में लोगों को पता है कि किस जगह पे रेल को रोकना है और कितनी देर के लिए रोकना है। लगातार किसान नेता और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। हर रेलवे स्टेशन पे भी तैनात किया गया है ताकि शांति सुरक्षा बनी रहे, जो व्यवस्था है शांति की वो कायम रहे और किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। किसानों ने हुंकार भर ली है और रेल रोकने के लिए 10 बजे से ही निकल गए हैं किसान। और हमारे साथ अब इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। तो गौरव, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे, क्या इस बार किसान कामयाब हो पाएंगे रेल रोकने में? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 अक्टूबर को जो लखीमपुर के टिकुनिया में घटना हुई थी, उसमें 4 किसानों से 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और माना जा रहा था कि जो किसान आंदोलन था उसमें एक घटना जुड़ने के बाद से किसान आंदोलन और उग्र हो गया है, यानी किसानों का जो प्रदर्शन था वो और उग्र हो गया है। उस उग्र प्रदर्शन को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज पर अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर और बर्खास्तगी को लेकर यहाँ पर जो रेल रोको अभियान छेड़ा गया है 10 बजे से लेकर सुबह और शाम को 4 बजे तक ये अभियान छेड़ा गया है। मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से टिकुनिया घटना हुई थी उसके बाद से लगातार ये मामला गर्म था। हालांकि आशीष मिश्रा, जो कि अजय मिश्रा टेनी के पुत्र हैं, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। कई और नाम भी शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है, न्यायिक जांच चल रही है। पर माना जा सकता है जिस तरह से ये आंदोलन अब एक प्रकार से जो लखीमपुर आंदोलन से जुड़ गया है, उससे आने वाले भविष्य में और भी समस्याएं साबित होंगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रेल रोको आंदोलन की तो सरकार ने पहले ही व्यवस्था कर ली गई थी। अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है और अन्य जिलों में, खासतौर पश्चिमी जिलों में लगभग 44 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ वहाँ भेज दी गई हैं। इसके अलावा पुलिस भी पूरी तरह से तैनात है और रेल के स्टेशनों के आसपास भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिससे कि जो इनका रेल रोको अभियान है वो सफल ना हो सके और आम जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अगर जिस तरह से पहले कृषि कानून को लेकर गुस्साए थे किसान और प्रदर्शन कर रहे थे, अब एक और वजह मिल गई है लखीमपुर की घटना, तो क्या इसमें बाकी जगह के भी किसान जुड़ेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान थे जो अभी इस आंदोलन में नहीं जुड़ रहे थे, किसानों के साथ नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन लखीमपुर की घटना के बाद काफी किसानों में आक्रोश देखने को मिला है। सिर्फ किसान नहीं, बाकी आम लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला। बर्खास्तगी की मांग भी की जा रही मंत्री की, तो क्या अन्य किसान भी इसमें जुड़ सकते हैं? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की बात करूं तो संयुक्त किसान मोर्चा की महज उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, देश भर में जहां जहां किसान संगठन है, अलग अलग किसान संगठन है जो किसी कानून का विरोध कर रहे थे, वो सारे इस मोर्चे के तहत आ चुके हैं। और अब लखीमपुर जो कांड है, जो अभी तक उत्तर प्रदेश में गर्माया हुआ था, अब पूरे देश में गर्मा गया है, क्योंकि इसको देखते हुए, इसमें अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को देखते हुए और किसान जो उनका किसी कानून का जो आंदोलन था, अब वो आंदोलन पूरी तरह से लखीमपुर घटना से जुड़ गया है। अगर मैं बात की प्रदर्शन की तो अमृतसर के गुरदासा गांव में भी प्रदर्शन किया गया, रेल वहां भी रोकी गई। अगर हरियाणा की बात करूं तो वहां पर बहादुरगढ़ में भी ट्रेन रोकी गई। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कई जगहों पर ट्रेन रोकी जा रही है, लखनऊ की बात करूं रोकी गई। हालांकि जो प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद रही है, उनको हटा दिया गया है, पर कुल मिलाकर देखा जाए तो असर तो हो रहा है। और रेल लोको अभियान में जो जिस तरह से जी लखीमपुर मुद्दा उठाया गया है, इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, व्यापक असर देखने को मिल भी रहा है, तस्वीरें सामने आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो ये बात तो साफ है कि अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। पुलिस बल को तैनात किया गया है कि जिस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, अगर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उन्हें रोका जा सके, क्योंकि इससे जो रेलवे रूट है वो काफी ज्यादा बाधित होगा। सिर्फ एक ही जगह नहीं, कई जगह के रूट बाधित होंगे। हालांकि रेलवे ने ये निर्णय लिया है कि यूपी से दिल्ली के रूट को डाइवर्ट किया जाएगा और स्थगित की जाएंगी कुछ ट्रेनें, लेकिन फिर भी यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि काफी लंबा वक्त है, 6 घंटे का वक्त है जिस बीच ट्रेन बाधित रहेंगी।
और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अब रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। तो रायबरेली का हाल जानते हैं हम। ओम शंकर जी, इस वक्त क्या नजारा देखने को मिल रहा है रायबरेली में? किस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और रेल रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कल रात से ही प्रशासन ने कम से कम एक दर्जन से अधिक किसान नेताओं को पूरी तरह से नजरबंद कर दिया है उनको घरों में, और जो है कार्यकर्ताओं पर प्लेटफॉर्म से लेकर हर चप्पे चप्पे पर जो है अर्धसैनिक बल, पुलिस, पीएसी लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। हम इस समय रायबरेली के रेलवे स्टेशन पर ही खड़े हैं। यहाँ पर 4 से 5 ट्रेनें अभी गुजर चुकी है लेकिन किसी तरह का कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। जी, तो इस वक्त क्या किसान वहां पे मौजूद है? क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली, चूंकि मैं सुबह से ही इस रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ना कोई किसान नेता ना संगठन के कोई कार्यकर्ता अभी तक रेलवे स्टेशन पहुंच पाए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। रायबरेली से ओम शंकर जुड़े थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि पुलिस व्यवस्था, जो पुलिस बल तैनात है उनकी वजह से अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है। किसी तरह के ना ही किसान नेता देखने को मिले हैं और ना ही कोई प्रदर्शनकारी देखने को मिला है, जिसकी वजह से ट्रेन का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। कोई भी ट्रेन अभी तक रायबरेली से बाधित नहीं हुई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि आम नागरिकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो रायबरेली से संवाददाता ने हमें जानकारी दी कि वहां पे अभी सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हम अलग अलग जगह के संवाददाता से अभी जुड़ेंगे भी और उनसे हाल जानेंगे कि यूपी में किस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वही जो तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से सामने आ रही हैं, जहां रेलों को रोकने की कोशिश की जा रही है। किसान नेता ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि आज रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, केंद्र सरकार के सामने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए। 3 नए कृषि कानून के मद्देनजर, साथ ही लखीमपुर की घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए, साथ ही अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग के लिए ये ट्रेन रोको आंदोलन किया जा रहा है, जिसे सफल बनाने के लिए 10 से 4 बजे के बीच ट्रेनों को रोका जाएगा, बाधित किया जाएगा। जितने भी किसान नेता हैं और प्रदर्शनकारी है वो रेलवे ट्रैक पर जाकर रेल को रोकने की कोशिश करेंगे और अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे। तो आज रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है किसान नेताओं की तरफ से। राकेश टिकैत ने भी इस बात को कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो अपने प्रदर्शन को और तेज करेंगे। और साथ ही बर्खास्तगी की मांग भी की गई है अजय मिश्रा टेनी के लिए। हालांकि अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई, आगे की पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी ये मांग उठ रही है कि न्याय मिले, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जब तक वो अपने पद पर बने हुए हैं अजय मिश्रा टेनी, तो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं कार्रवाई में, जांच में। तो इसको लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि इस पे कार्रवाई हो। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा जुड़ चुके हैं, संवाददाता है गोरखपुर से। तो इस वक्त अब हम संवाददाता से जानते हैं कि गोरखपुर में कैसा हाल है। तो क्या इस वक्त देखने को मिल रहा है, किस तरह का माहौल है रेलवे स्टेशन पर गोविंद? देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। आरपीएफ जीआरपी के अलावा अलग से पुलिस व्यवस्था लगा दी गई है, पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में किसान आंदोलन कहीं भी सफल होता नजर नहीं आ रहा है। कहीं कहीं कंपियरगंज, जो जनपद से महज कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां किसान जो पहुंचने की वहां सूचना मिली है, लेकिन गोरखपुर जितने भी रेलवे स्टेशन है यहाँ पे अभी तक एक भी किसान दिखाई नहीं दिए। तो माना जा रहा है गोरखपुर में जो किसान रेल रोको आंदोलन है पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है। गोविंद, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या स्टेशनों पर ही सुरक्षा बल और पुलिस मौजूद है या फिर पटरियों के आसपास भी पूरी नजर रखी जा रही है? देखिए, स्टेशन के अलावा जितने भी पटरियां हैं जो गांव के नजदीक है वहां भी पुलिस प्रशासन के साथ साथ जीआरपी आरपीएफ पूरी तरीके से मुस्तैद है कि रेलवे स्टेशन के अलावा कहीं पटरियों पर किसान ना आ जाए और रेल को रोकने का जो क्रम है वो जारी रहेगा। इसको देखते हुए पटरियों पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी बरत रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि सख्ती के साथ नजर बनाए रखे हैं पुलिस बल, किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने दिया जाएगा किसानों को, उनके मंसूबों में रेलों को रोकने नहीं दिया जाएगा।
सिविल स्टेशन ही नहीं पटरियों पर भी पैनी नजर बनाई है पुलिस बल ने, ताकि किसी भी तरह से रोकने में, रेल को रोकने में कामयाब ना हो सके किसान, और सुरक्षा और शांति बनी रहे। साथ ही रेल सर्विस जो है, जो रूट है वो बाधित ना हो सके, तो पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। और गोरखपुर सीएम योगी का क्षेत्र है तो इसलिए भी ज्यादा सख्ती है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के सख्त पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल को तैनात किया गया है। सिर्फ रेलवे स्टेशनों पर ही नहीं, आसपास की पटरियों पर भी पुलिस बल मौजूद है। किसान नेता कार्यकर्ताओं पर, प्रदर्शनकारियों पर, प्रदर्शनकारी पर नजर बनाई हुई है। तो यूपी दिल्ली रूट की कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है, ताकि ट्रेन के सामने प्रदर्शनकारी ना आ सके और कोई अप्रिय घटना ना हो। हालांकि ऐलान किया गया है कि आज रेल रोको अभियान चलाया जाएगा, जिससे रेलों को रोका जाएगा और सरकार के सामने अपनी बात को रखा जाएगा। ये इसलिए भी है ताकि इस्तीफे की जो मांग करी जा रही है उस पर सुनवाई हो सके, तीन नए कृषि कानूनों का जो एक साल से प्रदर्शन चल रहा है उसमें भी सुनवाई हो सके। साफ तौर पर राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार से बात नहीं हुई है और किसानों ने आंदोलन चलाने के लिए कई ट्रेनों को प्रभावित करा जाएगा। आज ऐसा भी बात सामने आई है, क्योंकि जब ट्रेन रोको आंदोलन का आह्वान किया गया तो रेलवे प्रशासन ने इस बात का निर्णय लिया, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिल्ली यूपी रूट को डाइवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि 10 बजे से 4 बजे तक यानी 6 घंटे के लिए जब रूट प्रभावित रहेगा तो यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये रूट डाइवर्ट करके यात्रियों को समय पर पहुंचाया जा सकेगा या फिर ट्रेनों को रद्द करके, ताकि यात्रियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हालांकि कहीं कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पे किसानों ने कोशिश तो की है प्रदर्शन करने की, रेल रोकने की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, हम जानना चाहेंगे कि आप जिस रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें कैसी देखने को मिल रही हैं, पीछे किसान नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं रेल रोकने की। आपको बता दें कि कृषि बिल को लेकर के किसानों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसी कड़ी में किसानों का रेल रोको आंदोलन है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं वो सैकड़ों की संख्या में तमाम किसान है जो रेल रोकने के लिए जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और पुलिस बल की बात की जाए तो काफी मात्रा में जो है पुलिस बल तैनात है किसानों को रोकने का, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम वो किसान है जो रेल रोको आंदोलन के लिए जो है निकल कर आगे हुए जो है जिला अध्यक्ष से हम बात करते हैं। जी पहली मांग तीन कानून का हो और प्रधानमंत्री जो वहाँ दिल्ली में है उनको हटाया जाए, उनको हटा के हटाया जाए। जो जितनी भी कार्रवाई है जितनी भी हमारी मांगे हैं उनके ऊपर न्याय उन किसानों को मिलना चाहिए जो शहीद हुए हैं वहाँ किसान। और आज हमारा दिशा निर्देश है ऊपर से टिकैत साहब का और संयुक्त मोर्चा का रेल रोको आंदोलन, हम लोग वहीं हमारे कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, पदाधिकारी भी आ रहे हैं, हम लोग स्टेशन और हर कई जगह हमारा प्रोग्राम लखनऊ में भी है, पूरे भारत में चल रहा है, गुसाईगंज में चल रहा है और लाहौर चल रहा है, बख्शी तालाब वहाँ चल रहा है, बख्शी तालाब में और यहाँ उतरठिया स्टेशन पर। काफी समय से किसान जो है बावजूद इसके भी जो है अभी तक उसका संशोधन नहीं हो सका है और सरकार के लिए सरकार भी किसानों को साधने का प्रयास कर रही है। किसान रैली की जा रही है, किसान सम्मान रैली की जा रही है। तो सर आप सरकार है किसी को नकली खड़ा करके किसान बना दे, असली किसान तो जो असली किसान विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हर जगह विरोध हो रहा है और हर जगह विरोध हो रहा है। तो किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अश्विनी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जहां किसान प्रदर्शन करते हुए तो दिख रहे हैं लेकिन हर जगह ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा बल तैनात है और किसानों को रेल रोकने से बाधित करेगा, रोक देगा, लेकिन सुरक्षा बल यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। अश्विनी, आपको आवाज आ रही है?
तो लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी ने दिखाया कि किस तरह से लखनऊ में प्रदर्शनकारी रेल रोकने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार बात भी करने की कोशिश करी हमारी संवाददाता ने कि किसान किस तरह से अपनी मांगों को रख रहे हैं, सरकार के आगे नारेबाजी कर रहे हैं और रेल रोकने की प्रयासरत है। और वहीं पुलिस बल भी तैनात दिखाई दे रहे कई जगह पर रेल रोकने के लिए। जिस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात है। तो अलग अलग तरह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस बल तैनात है, अलग अलग स्टेशनों का क्या हाल है, पुलिस बल किस तरह से पूरी जगह पर नजर बनाए हुए है। पूरे रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर पटरियों की बात करें, पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न ना कर सके किसान। किसानों ने आह्वान किया है रेल रोकने का, अपनी पूरी कोशिश कर रहे किसान कि आज ट्रेनों को रोका जाए और सरकार के सामने अपनी बात को रखा जाए, लेकिन सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। किसी भी तरह किसानों को सफल नहीं होने देना चाहती है सरकार। पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और अब हम रुक करेंगे आगरा का, जहां से हमारी संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं। ममता, किस तरह की तस्वीरें आगरा से देखने को मिल रही है स्टेशनों पे? जी बिल्कुल मैम, आपको बता दूं कि स्टेशनों पर पूरी तरह आरपीएफ ने अपना कब्जा जमा लिया है। किसानों के जो किसान आंदोलन, किसान मोर्चा का जो ऐलान था कि हम लोग किसान रोकेंगे आज, सॉरी किसानों को ट्रेन को रोकेंगे, किसानों के द्वारा जो आंदोलन के लिए एक निर्देश दिए गए थे, तो इसी को लेकर के आरपीएफ ने अपनी पूरी तरह कमर कस ली है। और यहाँ चप्पे चप्पे पर कई स्टेशनों पर जैसे राजा मंडी, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, हर स्टेशनों पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरी तरह कमर कस के आरपीएफ का कब्जा है। जी जी, तो जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, तो क्या सिर्फ रेलवे स्टेशन या फिर आसपास की पटरियों पर भी रेल पुलिसकर्मी मौजूद है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आपको यहाँ जिस तरह की ये रेलवे स्टेशन के अलावा रात से ही आसपास की जो पटरियां थी, जो किसान क्षेत्र, किसान नेताओं के जो क्षेत्र थे, गांव थे, वहां पर भी इन्होंने कब्जा जमा लिया था। जिस तरह की कल तस्वीर आई थी सामने कि यहाँ सुधार सिस्टम करके एक किसानों का एक जो संगठन है, उसके जो अंशुमन ठाकुर थे, उन्होंने पटरी पर जाकर एक आंदोलन करना शुरू कर दिया रात से ही। तो वही सूचना मिलते ही इस सूचना पर वह थाना क्षेत्रीय पुलिस पहुंचकर, थाना बरैन का ये पूरा मामला है, वहां पहुंचकर बड़ी ही तत्परता से उन्हें वहां से अपनी गिरफ्त में कर लिया गया है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ आगरा से संवाददाता ममता जुड़ी थी, जिन्होंने बताया कि रात से ही पुलिस बल तैनात है, प्रदर्शनकारी किसान भी रात से ही पटरियों पर, स्टेशनों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि पुलिस बल उनकी मंशाओं को विफल करता हुआ नजर आ रहा है। तो पुलिस बल रात से ही पटरियों पे तैनात है, स्टेशनों पे तैनात है। आपको बता दें कि आज यानी कि 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है एसकेएम के द्वारा और कई ट्रेनें इसकी वजह से प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने यूपी दिल्ली रूट की कुछ ट्रेनें रद्द कर दी हैं और डाइवर्ट कर दी हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आज लखीमपुर हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है, जिसका असर आज कई ट्रेनों पर दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि रेल रोको प्रदर्शन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसके चलते सभी मार्गों पर 6 घंटे के लिए रेल यातायात को रोका जाएगा। वहीं हमने आपको कई तस्वीरें भी दिखाई, हमारे संवाददाता भी मौजूद रहे, हमने आपको रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर के साथ वहां की तस्वीरें भी दिखाई और आपको बताया कि वहां पे कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला है रेल रोको का और कानून व्यवस्था और पुलिस बल सभी तैनात है और सभी आम लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े, उन्होंने जानकारी दी। वहीं गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा जुड़े, जिन्होंने बताया कि पुलिस बल चाक चौबंद है, तैनात है और रात से ही सभी घटनाओं पर नजर बनाए हैं। लखनऊ से हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी भी जुड़े, जिन्होंने लखनऊ की तस्वीर दिखाई और ये दिखाया कि किसान किस तरह से
नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और रेल रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल तैनात है स्टेशनों पर, जिसकी वजह से उनकी मंशाएं नाकाम होती दिख रही हैं, लेकिन उन्होंने यानी किसानों ने अपनी बात को रखा और बताया कि हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी हम प्रदर्शन करते रहेंगे। लखीमपुर की घटना को लेकर लगातार रेल रोक रहे हैं, वहीं प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ ममता जुड़ी आगरा से, जिन्होंने बताया कि रात में ही किसान नेता और प्रदर्शन करने रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, जहां पर पुलिस बल पहुंची सूचना पर और वहां पे प्रदर्शन को हटाया गया, प्रदर्शनकारियों को वहां से निकाला गया और पुलिस को सख्ती से तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी स्टेशन पर पहुंचकर रेल रोकने की कोशिश न कर सके। हालांकि तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई जगह पर पटरियों पर बैठे हुए किसान नजर आ रहे हैं, उन रूटों पर रेलों को डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं बाकी जगह रेल अभी भी सुचारू रूप से चल रही है, रायबरेली में भी रेल अपने समय से चल रही है, गोरखपुर आगरा रेल अपने समय से चल रही है। सिर्फ यूपी से दिल्ली तक के रूट को डाइवर्ट करने का रेलवे प्रशासन ने फैसला किया है। और इस खबर पर हमारे साथ अनिंद्र पाल संवाददाता जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर से। अनिंद्र, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, पुलिस बल किस तरह से तैनात है स्टेशनों पे? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अनिंद्र? तुम्हारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अनिंद्र से। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सभी जगह की तस्वीरें आपको दिखा सके, खासतौर से यूपी के हर एक जिले की तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और किसान किस तरह से प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी हम आप तक लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्राइम टीवी के सभी संवाददाता इस वक्त स्टेशनों पर मौजूद हैं और आप तक ये सच्चाई और तस्वीरें लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किसान प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे, रेल रोकने की कोशिश कर रहे। जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को, प्रदर्शनकारियों को इस बात की जानकारी है कि कहां और किस तरह से रेलों को रोकना है, प्रदर्शन करना है, तो उन्हीं के निर्देश पर आज किसान नेता कार्यकर्ता प्रदर्शनकारी किसान रेल रोकने की कोशिश में है। और इसी तस्वीरों को दिखाने के लिए हमारे संवाददाता लगातार स्टेशनों पर मौजूद हैं और तमाम जानकारी एकत्र कर रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस बल रात से ही तैनात है, प्रदर्शनकारी भी रात से कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर जाकर रेल को रोकने की कोशिश कर सके, रात से ही पूरी कोशिश में है ताकि आज पूरे दिन यानी कि 10 बजे से 4 बजे तक का जो समय है उस बीच रेल को रोका जा सके, अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश की जा सके। लखीमपुर खीरी घटना के बाद लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है किसानों में। हालांकि जब लखीमपुर की घटना हुई थी तब काफी आक्रोश देखने को मिला था किसानों का और ये मांग करी जा रही थी जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अलीगढ़ से खलिक अंसारी जुड़ चुके हैं। खलिक, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं रेलवे स्टेशन से? देखिए मैं आपको बता दूं, रेलवे स्टेशन पर अभी फिलहाल कोई किसान यहां मौजूद नहीं है। लगातार जितने भी किसान हैं उनको घरों में नजरबंद कर दिया है। पुलिस प्रशासन यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से तैनात कर दिया गया है। लगातार यहाँ पर RPF सहित अन्य पुलिस बल तैनात है। अगर बात किसान नेताओं की कही जाए तो कल से ही प्रशासन के द्वारा घरों में नजरबंद कर दिया गया है किसान नेताओं को। फिलहाल हमने कुछ ही देर पहले भारतीय किसान यूनियन के हरपाल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जब बात की हमने उनसे, तो उनके द्वारा बताया गया हमें कल से यहाँ घरों में नजरबंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन के द्वारा घर से ना निकलने की उनसे अपील की गई है, लेकिन फिर भी उनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं बारिश का जो समय है उसके बाद वो लगातार प्रदर्शन करेंगे और रेल रोकने के लिए वो घरों से निकलेंगे। जी खाली, क्या किसान अपने घर से निकलने की और रेल रोकने की कोशिश करते हुए नजर आए? जी बिल्कुल, देखिए मैं अलीगढ़ की अगर आपको बात बताऊं तो अलीगढ़ में काफी 2 दिन से लगातार बारिश चल रही है, यही कारण है किसान जो है घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। साथ ही दूसरी वजह यह भी है प्रशासन के द्वारा कल से ही उन्हें नजरबंद कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो बारिश की है, जो भारी बारिश यहाँ कल से चल रही है,
उसके चलते फिलहाल यहाँ ऐसी पोजीशन नहीं दिख पा रही है जो किसान जो रेलवे ट्रैक पर आ रहे हों। जी खाली भारी बारिश हो रही जैसा आपने बताया, तो क्या उसके बावजूद पुलिस बल तैनात है? जी बिल्कुल, प्रशासन जो है लखीमपुर घटना के बाद जो है किसानों को लेकर कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहता। यही कारण है सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जो रेलवे स्टेशन है उन्हों पर पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से खलीक अंसारी जुड़े थे। तो हम अलग अलग जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग स्टेशनों की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किसानों को रोका जा रहा है और पुलिस बल कितनी संख्या में तैनात है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है ताकि शांति व्यवस्था भी बनी रहे और रेल प्रशासन अपना काम सुचारू रूप से जारी रख सके, आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़ सके। तो कुछ जगह से ऐसी खबर सामने आई है कि रात से ही प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने पहुंच गए। आगरा में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, घटना सामने आई जहां पे किसान नेता प्रदर्शन करने रात में ही रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां पे पुलिस ने सूचना पर पहुंचकर सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया। वहीं अलीगढ़ से हमारे साथ अभी संवाददाता खलीक अंसारी जुड़े थे जिन्होंने ये जानकारी दी कि किसान नेताओं को रात से ही नजरबंद कर दिया है और दूसरी बात कि वहां पे दो दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से भी बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो रहा है। इसी ये भी वजह है जिसकी वजह से अभी तक शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस स्टेशनों पर और पटरियों पर मौजूद है लेकिन किसान नजरबंद है, तो नजरबंद कर दिया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था सख्त बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि 10 बजे से 4 बजे के बीच कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का प्रदर्शन तो चल ही रहा है, लेकिन आज लखीमपुर की घटना को लेकर किसानों ने रेल रोको आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा था कि रविवार को ये बात कही थी कि लखीमपुर खीरी मामले में न्याय नहीं मिल जाता तब तक प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में लगातार एक साल से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और किसान लगातार अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए सरकार से, केंद्र सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में कई बार उन्होंने प्रदर्शन किया, कई तरह से सरकार को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब ये लखीमपुर खीरी की तुकनिया वाली घटना हुई है उसके बाद से ही काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और अब पहले आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, हालांकि जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो अब उनके पिता यानी कि अजय मिश्रा टेनी की जो कि एक केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनकी भी गिरफ्तारी की और बर्खास्तगी की मांग करी जा रही है। एक अच्छे पद पे वो तैनात है सरकार में और उनकी गिरफ्तारी की मांग करी जा रही है और सबसे पहले उनकी बर्खास्तगी की मांग करी जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है किसानों के द्वारा कि जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे आशीष मिश्रा की जो जांच की कार्यवाही है उसमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इस वजह से किसान और विपक्ष ये मांग कर रहा है कि अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की जाए। तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये प्रदर्शन आज जारी रहेगा यानी रेल रोको कार्यक्रम, जहां ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पर किसान मौजूद है, पुलिस बल भी तैनात है, कहीं पे शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है तो कहीं पे रोकने की कोशिश की जा रही है कि ट्रेनों को रोका जाएगा, पुलिस बल तैनात है, रेल समय से चल सके जिसके लिए पुलिस बल तैनात की गई है। इस खबर पर हमारे साथ लखीमपुर से धीरज तिवारी जुड़ चुके हैं। धीरज, इस वक्त स्टेशन पे क्या प्रदर्शनकारी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, लखीमपुर 3 तारीख को जो तुकनिया कांड हादसा हुआ था उसमें राकेश टिकैत किसान के द्वारा ऐलान किया गया था कि 18 तारीख को जो किसान रोको आंदोलन है वो बहुत ही भारी तादाद में किसान जो है स्टेशनों पर जाएंगे ट्रेन रोकने का जो है उनका जो आंदोलन था उसी को लेकर आज लखीमपुर खीरी में पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे जारी है, जहां पे डीएम और एसडीएम सीओ के निरीक्षण में जो सारी स्टेशनों पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है लगाई जा चुकी है। लेकिन वहीं पर एक किसान जिला अध्यक्ष किसान नेता का जो कल एक वीडियो वायरल हुआ था कि लखीमपुर खीरी में जो है ट्रेन रोको आंदोलन निरस्त किया गया था।
जी, तो लखीमपुर खीरी में ट्रेन रोको आंदोलन नहीं होगा इस वक्त, कैसा माहौल है लखीमपुर खीरी का तिकुनिया कांड के नहीं, बाद? बिल्कुल यहाँ लखीमपुर खीरी में हर हर स्टेशन पे पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और प्रशासन अलर्ट है पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार की चूक न होने पाए। जी, तो इस वक्त माहौल कैसा है, कि शांति व्यवस्था बनी हुई है पुलिस बल के तैनात होने की वजह से? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है, पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई है जी। सारी स्टेशनों पे भारी फोर्स तैनात किया गया है। जी, किसान नेताओं का क्या कहना है, क्या लखीमपुर खीरी में उन्होंने रेल रोको आंदोलन करने की कोशिश की? जी अभी तक तो ऐसा कोई किसी भी स्टेशन पर ऐसा सुनने में नहीं आ रहा कि किसान स्टेशन पर पहुंचे या आंदोलन ट्रेन रोकी जा सके, लेकिन प्रशासन की अगर बात की तो एडीएम के द्वारा बताया गया है कि हर स्टेशन पर फोर्स तैनात की गई है, सारी सुरक्षा व्यवस्था है और किसान नेता के जो वीडियो वायरल हुआ था उसकी उसी उसको ध्यान में रखते हुए लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। जी धीरज, जो किसान मृतक किसान के परिजन है तो वो क्या रेल रोको अभियान में कुछ उनका कहना है, क्या वो उसको सहयोग दे रहे हैं? जी अभी तक इस मामले में तो किसी मृतक परिजन से फिलहाल तो बात नहीं हुई है, लेकिन अगर बात की तो जो किसान मृत हुए तो वो उनका कहना था कि बिल्कुल आंदोलन किया जाए जब तक मांगे न पूरी हो, जब तक राजग्राम मंत्री का इस्तीफा ना हो और जेल न भेजे तब तक आंदोलन व किसान नेता जो धरना जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हम चाहेंगे कि धीरज आप परिजनों से बात करें, जो मृत किसान है उनके परिजनों से बात करके और आगे की जानकारी दे कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या उनकी राय है, क्या इस तरह से प्रदर्शन होना चाहिए और प्रदर्शन होने से ही क्या उनके जो मृत परिजन है उनको, परिजनों के जो व्यक्ति थे जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, तो क्या उनको इंसाफ मिल सकेगा इस चीज से, तो हम चाहेंगे कि आप उनसे भी संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लखीमपुर की अपडेट देने के लिए। लखीमपुर से हमारे साथ संवाददाता धीरज तिवारी जुड़े थे जिन्होंने बताया कि वहां पे रेल रोको अभियान नहीं होगा, शांति व्यवस्था बनी हुई है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, शांति को ध्यान में रखते हुए वहां पे रद्द कर दिया गया है रेल रोको अभियान। हालांकि बाकी जगह की तस्वीरें देखने को मिल रही है लेकिन लखीमपुर में भी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है ताकि किसी भी तरह से रेल रोकने का अभियान या फिर प्रदर्शन ना किया जा सके, इस बात का पूरा इंतजाम किया गया है। तो अलग अलग जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये प्रदर्शन चलेगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक जिले की तस्वीरें दिखा सके और आपको जानकारी दे सके कि कहाँ पे रेल व्यवस्था कैसी है, क्या सुचारू रूप से चल रही है रेल व्यवस्था या फिर कहीं पर भी रेलों को रोका जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं कि आम जनता को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़ सके, रेल सुचारू रूप से चले, कोई भी बदलाव ना करना पड़े, पुलिस बल को तैनात किया गया है और पुलिस बल को तैनात करने के साथ ही ये निर्देश भी दिए हैं कि कहीं भी किसानों द्वारा किसी भी अप्रिय घटना ना हो सके, शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति पूर्वक माहौल बनाने के लिए ही पुलिस बल को तैनात किया गया है। जहां भी किसानों ने कोशिश की है प्रदर्शन करने की या रेल रोकने की, उन्हें वहां से हटाया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से सभी काम किया जा रहा है और अभी वक्त हो रहा है 12:15, 10 बजे से ये रेल रोको प्रदर्शन शुरू हो गया है। देश के अन्य जगह से तस्वीरें सामने आ रही है लेकिन यूपी में अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है। हालांकि कुछ जगह पे नजरबंद कर दिया गया है किसानों को, कुछ जगह पे बारिश की वजह से किसान अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं तो कुछ जगह पर रद्द करा गया है, जैसे लखीमपुर, वहां पर शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेल रोको अभियान को रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। तो जिसकी वजह से भी अभी जितनी जगह हमारे संवाददाता जुड़े हैं तो वहां से यही खबर सामने आई है कि सभी जगह शांति व्यवस्था बनी हुई है, वो चाहे रायबरेली हो, गोरखपुर हो या फिर आगरा हो, शाहजहांपुर हो, अलीगढ़ हो, लखीमपुर हो, इन जगह पर हमारे संवाददाताओं ने ये जानकारी दी कि पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है और ट्रेन भी सुचारू रूप से चल रही है। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है किसानों के बीच, हालांकि वहां पे इस वक्त माहौल गर्म है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन अभी भी उनके पिता केंद्रीय गृह मंत्री आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है और इसी मांग को लेकर आज
रेल रोको अभियान और प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन 10 से 4 बजे तक चलता रहेगा, यानी 6 घंटे, और 6 घंटे के लिए कुछ रूट पर ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, तो कुछ रूट पर ट्रेनों को स्थगित किया जाएगा। ये पूरे देश में आह्वान किया गया है और यूपी में भी शांति व्यवस्था देखने को मिल रही है, पुलिस चाक चौबंद है, सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए हैं और अभी किसी तरह की अप्रिय घटना भी सामने नहीं आई है। देश में किसी कोने से सिर्फ नारेबाजी देखने को मिली है। लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी ने किसानों से बात करने की कोशिश की, किसान नेताओं से, वो नारेबाजी करते हुए दिखे और उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करा जाए, बात सुनी जाए, लखीमपुर खीरी घटना में न्याय मिले किसानों को और साथ ही अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी हो और उन्हें जेल भेजा जाए। तो ये मांग है, एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, 3 नए कृषि कानून से नाराज है किसान। उनका कहना है कि ये उनके पक्ष में नहीं है, किसानों का कहना है कि उन्हें ये 3 नए कृषि कानून नहीं चाहिए क्योंकि ये उनके हित में नहीं है। इस वजह से वो 3 नए कृषि कानून को वापसी की मांग कर रहे हैं। कई बार वार्ता भी हुई है सरकार और किसानों के बीच, हालांकि कोई निष्कर्ष नहीं निकला और लगातार ये मांग करी जा रही है कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार और किसानों के बीच कोई समन्वय नहीं बैठ पाया। कई बार की वार्ता के बीच भी बात नहीं हो पाई। किसानों ने प्रदर्शन किया, अलग अलग जिलों में जाके किसानों से बात करी, किसान चौपाल, किसान महापंचायतें की गई, लेकिन किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो लखीमपुर खीरी मामले में किसानों का रेल रोको आंदोलन अभी भी चल रहा है, जहां आज पूरा दिन यानी कि 6 घंटे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक यह आंदोलन किया जाएगा। पटरियों पर बैठे हुए किसान नजर आ रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं आप, पटरियों पर किसान बैठे हैं, ट्रेन को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वही पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस बल को तैनात किया गया है कई जगह पे। यूपी में आपको बता दें कि बारिश का अलर्ट भी जारी है, इसके बावजूद पुलिस बल को तैनात किया गया है स्टेशनों पर, रात से ही पुलिस बल तैनात है और कल से कई जगह पे बारिश भी देखने को मिली है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितना दर्दनाक ये हादसा था जिसमें कई किसानों को और कई लोग कुचले गए थे, कम से कम 8 लोगों की मौत हुई थी इस हादसे में, जिसके बाद से काफी आक्रोश देखने को मिला। पहले जो किसान अंतिम संस्कार करने के लिए ही तैयार नहीं थे, उनकी मांग जो थी कि मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले परिजनों को, जिसके बाद ही अंतिम संस्कार होगा। किसानों की इस मांग को सरकार ने मांगा, मुआवजा दिया, सरकारी नौकरी का वादा किया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया किसानों का। और उसके बाद ये मांग की गई कि जो है जो भी इस मामले में संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी हो, सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द जांच कर इंसाफ दिया जाए। जिसके बाद कई तस्वीरें निकलकर सामने आई लखीमपुर खीरी घटना की और इस हिंसा पे कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें ये बात निकल के सामने आई और ये कहा गया कि जिसकी गाड़ी से कुचला गया वो कोई और नहीं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा, जिसके बाद कई जांच हुई, गिरफ्तारी हुई और अब इस बारे मामले में जांच चल रही है। तो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है लोगों का, वो चाहे किसान हो या बाकी देश की जनता हो। काफी लोग इससे आहत हुए थे क्योंकि जिस बेरहमी और बेदर्दी से 8 लोगों को कुचल दिया गया था, इसने सभी को झकझोर कर रख दिया था। और अब मांग उठ रही है कि अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी हो सबसे पहले, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाए और आगे की जांच की जाए, जिसकी लिए आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मौत हुई थी इस मामले में और उसको लेकर आज ट्रेन रोको अभियान किया जा रहा है। और अब इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं लाइव। तो गौरव फोन लाइन पर हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही है, अभी भी शांति व्यवस्था यूपी में कायम है, तो उसका श्रेय किसको जाता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि
कि हम लखीमपुर घटना को लेके अजय मिश्रा जो ट्रेनी है जो अभी हाल में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए थे उनका पुत्र का जो अभी उनको अरेस्ट भी किया गया था उसको देखते हुए जो जिस तरह से किसान आंदोलन पूरी तरह से लखीमपुर घटना से जुड़ गया था उसको देखते तैयारी की गई थी। सच किसान मोर्चा ने पूरे देश में आह्वान किया था कि हम जो है 18 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके और शाम 4 बजे तक रेल लोको अभियान चलाएंगे और जाहिर सी बात है रेल लोको अभियान होगा तो यात्री को दिक्कत भी होगी और रेलवे ने इसके लिए तैयारी कर ली थी। उसके साथ ही साथ चूंकि लखीमपुर कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था उत्तर प्रदेश का जिला है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू से ही इस अभियान को लेके ये पूरी तरह से तैयारी कर ली गई थी। मैं आपको बता दूं कि लगभग 14 जिले ऐसे हैं जो कि उस रेल लोको अभियान में हो सकता कि उनको ज्यादा प्रभावित किया जाने वाला था। उन 14 जिलों में लगभग 44 PSC कंपनियां के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां वहां तैनात कर दी गई थी और प्रत्येक जिले में जहां पर इसका अभियान का असर देखने को मिलता या जहां पर ट्रेन रोकी जाती उनको रोकते हुए तमाम चीजों की जांच तौर व्यवस्था वहां पर की गई थी। अगर लखनऊ राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर भी कई जगहों पर किसान जो है आपके रेल लोको अभियान को करने वाले थे पर यहां पर भी व्यापक पुलिस व्यवस्था लागू कर दी गई, 44 भी लागू कर दी गई और कहा गया है कि जितने भी बड़े बड़े जिले हैं वहां पर प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात किया गया था जिससे कि इस रेल लोको अभियान को पूरी तरह से निष्प्रज किया जा सके, निष्क्रिय किया जा सके। गौरव, हमारे पास रायबरेली, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, शाहजहांपुर, अलीगढ़, लखीमपुर से अभी तक संवाददाता जुड़े जिन्होंने तस्वीरें दिखाई और बताया कि वहां पे शांति व्यवस्था बनी है, पुलिस बल तैनात है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक कहां कहां से तस्वीरें सामने आई है जहां पे रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए नजर आए हैं। सीतापुर में तो सुबह किसान बैठे हुए थे, मैं आपको बताऊं बैठे थे लोग किसान वहां पर गए थे, कई जिलों में आपसे बात करूं तो किसान गए थे पर वहां पर उनको हटा दिया गया क्योंकि व्यापक पुलिस व्यवस्था वहां पर थी और पुलिस की टुकड़ियां वहां मौजूद थी रेलवे स्टेशन पर, इसलिए वहां पर किसान जो जिस तरह से वो प्रदर्शन करने वाले थे या रेल रोकने वाले थे तो उसको पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया, मैं आपको बता दूं उनको रोक दिया गया। तो बड़ी घटना तो कहीं नहीं हुई है पर कहीं कहीं असर इसको देखने मिला है क्योंकि अगर चूंकि ये संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में आह्वान किया था, अमृतसर में भी कई जगह लोग बैठे और हरियाणा में भी कई जगह लोग बैठे, उत्तर प्रदेश में कई जगह लोग रहे तो किसान गए तो थे और वहां पर किसानों ने भीड़ भी लगाई पर इस प्रकार से जो रेल लोको अभियान था जो अभियान उनके द्वारा आह्वान किया गया था वो पूरी तरह से पूरा से तब्दील नहीं हो पाया और पूरी तरह से वो निष्क्रिय कर दिए गए शासन के द्वारा। जी, तो यूपी में तो शांति व्यवस्था बनी है और बाकी राज्यों का क्या हाल है? बाकी राज्यों की बता दूं बाकी राज्यों में भी यही स्थिति है, हालांकि रेलवे ने पहले से तैयारी कर दी थी, लगभग दिल्ली रूट की जो पूर्व की जो गाड़ियां हैं जो दिल्ली रूट की तरफ जाती हैं अमृतसर जाती हैं उन गाड़ियों में 14 से 15 गाड़ियों को निरस्त कर दिया गया था और कई के दार्वजन कर दिए गए थे क्योंकि उनको पता था कि किसान रोकेंगे तो यात्रियों का असुविधा का सामना करना पड़ेगा, तो पूरी व्यवस्था पहले ही कर ली गई थी तो वह व्यापक असर देखने का नहीं मिला इस अभियान का। जी, तो जिस तरह से कई जगह पे ऐसी खबरें भी सामने आई जहां पे नजरबंद कर दिया गया है किसानों को, वहीं कुछ लोग किसानों को रोक दिया गया है, तो क्या किसान इसके बावजूद भी प्रदर्शन करने की रेल रोकने की कोशिश करेंगे? अगर करेंगे तो पुलिस कैसे रोकेगी इन्हें? गौरव, फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि जहां जहां पर असर देखने को मिल रहा था वहां वहां पुलिस व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, सब जगह रोक दिया गया है, जो उनके नेता हैं उनको भी नजरबंद कर दिया गया है, तमाम तरह से पुलिस व्यवस्था वहां पर मजबूत की हुई है। फिलहाल तो अभी तक ऐसा कोई व्यापक असर देखने को नहीं मिला है जहां पर ट्रेन रोकी गई हो। हाँ, पटरियों पर जाकर बैठे जरूर थे, उन्होंने कोशिश जरूर की थी, अच्छी संख्या में वहां गए थे पर जिस तरह से उनको रोक दिया गया, पुलिस व्यवस्था वहां पर अच्छी तरह से इस तरह से मजबूत की गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कि वहां पर कोई भी अप्रिय घटना भी नहीं हो पाई और रेल लोको अभियान जो कि माना जाता है बहुत बड़ा अभियान होगा और जगह जगह रोक दी जाएगी पर वो स्थिति अब तक नहीं आ पाई है संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी अभियान के आह्वान के बावजूद। जी गौरव, हम आपको यहाँ रोकेंगे, तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त हमीरपुर से संवाददाता ब्रिजेश जुड़ चुके हैं, तो ब्रिजेश हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं हमीरपुर में, क्या शांति व्यवस्था बनी है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि हमीरपुर में रेल रोको अभियान को लेके जो है इस समय पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन जो है सतर्क है, जिले के प्रवेश मार्गों पर पुलिस जगह जगह पर तैनात है और पूरे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इस आंदोलन का हमीरपुर में कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक। जी, हमीरपुर में किसान क्या प्रदर्शन करने की कोशिश करते हुए नजर आए या फिर जो शांति व्यवस्था बनी है, अगर है किसान तो वो कहाँ है? हमीरपुर में अगर आंदोलन को लेकर बात करी जाए तो हालांकि किसान यहाँ पूरे जिले से आंदोलन करने की तैयारी में है लेकिन एक शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को अपना
रूप दे रहे हैं और पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा में मुस्तैद है, किसी भी तरीके की किसी आतंक की संभावना नहीं है। जी ब्रिजेश, ट्रेनों की क्या स्थिति है, क्या ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया या रोका गया या फिर सामान्य रूप से चल रही है? ट्रेनों की बात की जाए तो अभी ट्रेन सामान्य रूप से चल रही है और यहाँ जीआरपी के अधिकारियों से अभी हम कुछ देर पहले हमने बात करी थी तो उन्होंने बताया कि ट्रेनों को जो है सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है, किसी भी तरीके की किसी व्यवधान की आशंका यहाँ पर नहीं है अभी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ हमीरपुर से ब्रिजेश जुड़े थे संवाददाता, तो उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था हमीरपुर में भी बनी हुई है और अभी शांतिपूर्ण तरीके से किसान भी अपने प्रदर्शन को करने की कोशिश में है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता गौरव। गौरव, जिस तरह से पंजाब हरियाणा में खास रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है वहां से? बताया पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में अमृतसर में गुरदासा गांव पर कुछ किसान वहां पर गए थे, किसान संगठन वहां गए थे, उनकी उन्होंने मेहनत भी की थी और वहां पर जाके उन्होंने रेल रोकने की कोशिश भी की थी, हालांकि वहां पर भी उनका जो प्रयास था वो असफल हो गया था। अगर हरियाणा की बात करें तो बहादुरगढ़ में इसका असर देखने को मिल रहा था, वहां पर ट्रेन रोकने की कोशिश की जा रही थी। मैंने आपको बताया कि रेल मंत्रालय ने पहले से ही व्यवस्था कर ली थी उस रूट पे, या दिल्ली से पूर्व से दिल्ली रूट जाने वाली और अमृतसर जाने वाली गाड़ियों को डायवर्जन कर दिया गया था, जहां पर उनको लगता था कि यहां कर रेल रोकी जाएगी, तो पहले से ही रेल मंत्रालय की जो व्यवस्था थी उसको कर दी गई थी, जिसके तहत कोई व्यापक असर नहीं देखने को मिला है और रेल रोकी नहीं जा सकी है। मैं आपको बताऊं, जी बिल्कुल, हम आपको रोकेंगे यहां पे गौरव। सोनभद्र से अब हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं रविंद्र कुमार। सोनभद्र में कैसे तस्वीरें देखने को मिल रही है रविंद्र? जी बिल्कुल, बता दूं कि सोनभद्र में यहाँ पे पुलिस व्यवस्था जो है मुस्तैद है जी, और किसान नेता गिरीश पांडे को घर पे ही नजर बंद कर दिया गया है और श्रीकांत त्रिपाठी जो किसान नेता उनको आवास पे बरेल उनको पुलिस के द्वारा जी उनको भी नजर बंद कर दिया। पुलिस प्रशासन हर तरह मुस्तैद है कि किसी भी प्रकार की कोई आंदोलन कोई घटना ना घटे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ सोनभद्र से रविंद्र कुमार जुड़े थे। तो शांति व्यवस्था अभी तक देखने को मिल रही है, हमने कई जिलों में संवाददाताओं से बात करी जहां पे शांति व्यवस्था बनी हुई है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता गौरव। तो गौरव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राकेश टिकैत ने कहा था कि बर्खास्तगी की मांग करते हुए कि किसानों को पता है कहां पे ट्रेन रोकनी है और कहां पे किस तरह से प्रदर्शन करना है, तो राकेश टिकैत के कहने पर ही ये प्रदर्शन हो रहा है शांतिपूर्ण ढंग से अभी तक देखा जा रहा है प्रदर्शन, क्या आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? ठीक, फिलहाल राकेश टिकैत शुरू से जो आपका कृषि कानून के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है उसके अगुवा के तौर पर सामने आए थे, हालांकि किसान मोर्चा बनाया गया था सम्मेलन जो उसमें किसान मोर्चा में उससे कई तरह के संगठन उसमें शामिल हैं, पर शुरू से राकेश टिकैत की कृषि कानून के प्रति जो विरोध में जो आंदोलन हो रहा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके बाद इसी आंदोलन को देखते हुए ही लखीमपुर के टिकुनिया कांड में वहां पर जो लोग निकल रहे थे उस पर उनपे जो है गाड़ी चढ़ाई गई, जो भी मामला रहा उसमें चार किसानों सहित 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैं आपको बता दूं उसके बाद ये मामला गर्मा गया, 3 अक्टूबर का ये मामला था, मामला गर्मा गया था। उसके बाद राकेश टिकैत वहां पर गए थे, वहां श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई थी, विपक्ष भी वहां पहुंचा था, प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और संजय सिंह भी पहुंचे थे आम आदमी पार्टी से। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से कृषि कानून रहा था उसके बाद कृषि कानून के विरोध के चलते और बाद में जिस तरह से लखीमपुर कांड हुआ है तो इसकी जो आग थी कृषि कानून के विरोध की वो और ज्वलंत हो गई है। और इसमें उन्होंने केवल एक ही बात की थी कि हमको पहले उनके लड़की की गिरफ्तारी थी जो कि अब तक हो चुकी है, और अब जो उनकी पहली मांग थी कि अजय मिश्रा टेनी जो कि अभी हाल में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए थे उनको तत्काल प्रभाव से उनको ही मंत्रालय में छोड़ा जाए। ये जानना चाहेंगे कि बर्खास्तगी तक तो ठीक है लेकिन गिरफ्तारी की मांग क्यों की जा रही है जो मिश्रा टेनी की? पूरे कांड में भूमिका रही थी, उनके पुत्र ने इस तरह से किया है और पुत्र के ऊपर तमाम मामले भी दर्ज है, गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है, कई और लोगों के नाम आए हैं, लगभग 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ट्रांजिट रिमांड पर हैं और जेल भेजे जा चुके हैं। तो माना सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी मांग भी कर शुरू से मांग थी, हालांकि पहले जब जिस तरह से उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया उनका शुरू से कहना था कि मेरे पुत्र की पूरे मामले में कोई संलिप्तता नहीं है, पर जिस तरह से बाद में कुछ सूत्र ऐसे पुलिस को मिले थे जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार उनके लड़के को गिरफ्तार
के आसी में सोनू को गिरफ्तार किया गया था, तो बाद में जो मांग केवल केवल उनके मंत्री पर छोड़ने को थी वो गिरफ्तारी में भी तब्दील हो गई थी। और अब राकेश टेकर की मांग लगातार ये हो रही थी कि हम उनको समय दे रहे हैं, अगर भारत सरकार उनका इस्तीफा नहीं लेती है, उनको गिरफ्तार नहीं करती है, तो हम भविष्य में और हमारा आंदोलन उग्र होगा। उसको देखते ही देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक रेल रोको अभियान की आह्वान किया गया था, जो फिलहाल अब तक अलग अलग राज्यों में चल रहा है, कहीं असफल है कहीं सफल है, कहीं रोक दी गई है कहीं नहीं रोकी गई है, और किसान नेताओं को रोक भी दिया गया है, पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। तो फिलहाल जो अभियान सोचा गया था कि बहुत व्यापक स्तर पर होगा, अब तक कोई असर विशेष देखने वाला नहीं मिला है। गौरव, इससे पहले भारत बंद का आह्वान किया था किसानों द्वारा, लेकिन उसका भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिला था, और आज जब रेल रोको आह्वान किया गया है तो सिर्फ पंजाब हरियाणा में इसका खास असर देखने को मिल रहा है, यूपी में तो इसका बिल्कुल असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से बार बार आह्वान किया जा रहा है तो क्यों जिस तरह से आह्वान विफल होते हैं किसानों के? देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो अगर हम किसान किसी आंदोलन की बात करें तो किसी आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान मुख्य रूप से शामिल हुए थे, उनके ही अधिकतर संगठन है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश ज्यादा संगठन नहीं, यूनियन है, कई यूनियन ऐसी है, मजदूर यूनियन भी है, किसान यूनियन भी है, कई गुट है। तो कुछ गुटों ने इनको समर्थन दिया था और कुछ गुटों ने उनका विरोध किया था, उनका कहना था, कुछ गुटों का कहना। जी बिल्कुल गौरव, आपको हम रोकेंगे यहाँ पे, हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शमशाद जुड़ चुके हैं। तो शमशाद, हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त लखनऊ में कैसा माहौल है, रेल रोको आंदोलन का कितना असर देखने को मिल रहा है? जी आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के अंदर चप्पे चप्पे तैनात कर दी गई है, जो स्टेशन है रेलवे फाटक के तैनात कर दी गई है, और जो स्टेशन जहाँ पे जितने बड़े स्टेशन हैं वहाँ पे भी जो है पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है। जी शमशाद, क्या सिर्फ बड़े स्टेशनों पर जाने का पहले से निर्णय लिया था किसानों ने, या छोटे स्टेशनों पर भी जा सकते हैं किसान? जी इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि छोटे स्टेशन और बड़े स्टेशन दोनों जगह पे जा सकते हैं, और क्योंकि जिस तरीके से जो गांव क्षेत्र है वहाँ के जो पास में स्टेशन है वहाँ पे जो है उन्होंने जाने का कहा गया था, मगर पुलिस जो है कहीं ना कहीं, जैसे कि आपको बता दें कि मानक नगर स्टेशन पे अभी कुछ देर पहले ही कई किसान पहुंचे थे, मगर उन्हें गिरफ्तार करके इको गार्डन के लिए जो है वो भेज दिया गया है, और बाकी कई जगहों पे कई स्टेशनों से गिरफ्तारी हुई है कुछ किसानों की। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसान कौन कौन से स्टेशन को निशाना बनाते हैं और कौन कौन सी ट्रेनों को जो है रोकने का प्रयास करते हैं। तो एक गुट की गिरफ्तारी तो हो गई है, क्या बाकी गुट भी अपने अपने घरों के पास के, अपने अपने जिलों के पास के जो किसान हैं वो क्या स्टेशनों पे जाएंगे और प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे फिर से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो किसान है उनका कहना है कि ये जो आंदोलन है ये पूरी तरीके से हम करेंगे, और उनको अगर छूट मिलती है और अगर वहाँ पे पुलिस तैनात नहीं होती है तो वो फिर से जो है स्टेशन पे जाने की कोशिश करेंगे, मगर सरकार की तरफ से पूरी तरीके से पुलिस तैनात कर दी गई है, और दफा 144 भी लगी धाराएं लगी हुई है, जिसके कारण जो है लोग जो ज्यादातर लोग जो भीड़ में निकल रहे हैं उनसे पूछताछ भी पुलिस कर रही है। तो धारा 144 लागू है, क्या लखनऊ में भी कोई ऐसी कोई खबर सामने है कि किसी किसान नेता या कार्यकर्ता को नजरबंद किया गया हो? नहीं, अभी तो ये कोई खबर जो है आगे निकल के नहीं आ रही है कि किसी नेता को जो है नजरबंदी कर दिया गया हो, मगर कई जो है किसान के जो नेता हैं वो रैली निकालने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, स्टेशन की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनको बीच ही में पुलिस के द्वारा जो है वो रोक लिया गया है और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया है तो क्या उन्हें धारा 144 के उल्लंघन में गिरफ्तार किया है, और अगर इनकी रिहाई होगी तो किस तरह से होगी? जी बिल्कुल, इनके ऊपर 144 का धारा जो है वो भी लगाया जाएगा, और जो स्टेशन पे जो रेलवे पटरी पे जो है इन्होंने जो ट्रेन रोकने का प्रयास किया है वो भी धाराएं लगाई जाएंगी। उसके बाद में अब किस तरीके से इनकी जमानत होती है और क्या कुछ आगे निकल के आता है वो आपको हम जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बने रहिए एक छोटी छोटी अपडेट के साथ हमारे साथ, और हमारे दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहिए। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से शमशाद जुड़े थे, और अब हम एक बार फिर गौरव जी के पास चलते हैं। तो गौरव, जिस तरह से यूपी में चुनावी माहौल है उसको देखते हुए जो शांति व्यवस्था बनी हुई है ये तारीफ काबिल है, तो आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर समस्या का एक बेहतर विकल्प ढूंढते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना में उनके द्वारा लगातार प्रयास किए गए थे, टीम 11 बनाई, टीम 9 बनाई, और बहुत हद तक कोरोना को उन्होंने नियंत्रण भी कर लिया था। और जो वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन भी उत्तर प्रदेश लगातार चरम पर है और सर्वोच्च स्थान पर है वैक्सीनेशन के मामले में। हालांकि बड़ी आबादी के बावजूद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को व्यापक अभियान दिया गया, तो एक प्रकार से उनकी अगुवाई बेहतर साबित हो रही है और खुद आगे बढ़ के, हालांकि खुद कोरोना संक्रमित भी हुए थे, उसका भी बेहतर उन्होंने प्रदर्शन किया और बेहतर रणनीति के काम किया। अब मैं बात करता हूँ कि अन्य बातों की, तो किसान आंदोलन की बात भी करूँ, अगर किसी कानून के विरोध की बात करूँ, तो लगातार मुख्यमंत्री योगी द्वारा काम किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ द्वारा। हम आपको गौरव यहाँ पे रोकेंगे क्योंकि अब हमारे साथ शहर से शिवांग जुड़ चुके संवाददाता। तो शिवांग, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बुलंद शहर में इस वक्त कैसी स्थिति है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बुलंद शहर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जगह की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से सही की हुई है और पुलिस भी पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कंट्रोल में है और किसानों का यहाँ अभी तक कोई भी आवागमन यहाँ पर मौजूदा स्थिति में नहीं है। एसएसपी भी खुद यहां पर आकर चेकिंग करके गए हैं, सुबह से यहां पर पुलिस मुस्तैद है और कंट्रोल में सिचुएशन है, तो बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ है रेलवे स्टेशन पर, किसी भी तरह की कोई भी हलचल पैदा फिलहाल नहीं हुई है। जी शिवांग, रेलवे ने क्या कुछ गाइडलाइन जारी करी है बुलंदशहर के लिए और ट्रेनों का आवागमन कैसा चल रहा है। जी बिल्कुल, ट्रेनों का आवागमन जो चल रहा है वो अभी फिलहाल एक ट्रेन जो है आने वाली है और उसके लिए पहले ही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दिया है। रेलवे ने प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया था और उसके बाद पुलिस ने प्रशासन की जो है पूरी तरीके से सेवा मुहैया कराई है। स्टेशन पर जो है प्रशासन सुबह से तैनात है। जी शिवांग, यूपी में धारा 144 लागू है, तो अगर 4-5 लोग स्टेशन पे एक साथ आते हैं तो क्या उनकी चेकिंग व्यवस्था क्या है और क्या उन्हें 4-5 से ज्यादा लोग आते हैं तो किस तरह से रोका जा रहा है। जी बिल्कुल, रोका जो यहाँ पर लोग बाग आ रहे हैं उनकी चेकिंग भी की जा रही है और किसान वगैरह जो आएंगे उनकी भी चेकिंग की जाएगी, उसके बाद ही जो आंदोलन वगैरह है उसको आगे की तरफ जो उसके अग्रिम जो है आंदोलन को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसमें कोई भी यहाँ पर मौजूदा स्थिति में किसान जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता शिवांग जुड़े थे। तो ये तस्वीरें देखी हमने कि किस तरह से पुलिस तैनात है, सुरक्षा के इंतजाम है, हर एक व्यक्ति की चेकिंग हो रही है। अगर किसान आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है और शांति व्यवस्था के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है पुलिस। वहीं अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी में ग्राम पंचायत सिगहा खुर्द में 3 अक्टूबर तिकोनिया की घटना में अमृत श्याम सुंदर निषाद, हरिओम मिश्र और शुभम मिश्र की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। इसमें पहुंचे जिले के सांसद और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि इस वारदातों में पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही उजागर हुई है। श्याम सुंदर की पुलिस से छीनकर हत्या की गई है, जिसमें जो भी व्यक्ति कर्मी अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ भी सरकार एक्शन लेगी। इसके लिए जांच एजेंसियों की खुली छूट सरकार की ओर से दी गई है। इस घटना में जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। हाल ही के दिनों में मथुरा के थाना सुरीर क्षेत्र में एक गैस सिलेंडर के गोदाम में अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें भारी मात्रा में गैस सिलेंडर को बदमाश चोरी करके ले गए थे, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने घटना का मौका मुआयना और चोरी की घटना के खुलासे के लिए कई टीमें गठित कर दी। इस लूट की घटना का खुलासा हो गया। थाना सुरीर पुलिस और सर्विलांस टीम और एसओजी टीम द्वारा खुलासा कर दिया गया है। इसमें पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 बदमाशों को धर दबोचा और उनके पास से 45 चोरी के सिलेंडर और लूट के प्रयुक्त किए गए अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं।
राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच गोमती नगर स्थित सहारा फ्लाईओवर के पास देर रात मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान बांग्लादेशी बदमाश हमजा और उसके साथियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में ये तीन पुलिस घायल हो गए और जवाबी कार्यवाही में हमजा पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। वहीं उसके साथी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। सभी घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। देखिए बहुत मतलब जिसको कहते हैं डेंजरस गैंग है और बांग्लादेश से भारत में इलीगल तरीके से प्रवेशित होते हैं और अलग अलग शहरों में घटना करते हैं। कम इनकी घटनाओं की कोई गिनती नहीं बता सकते, 40 से 50 घटनाएं के ऊपर हैं, अलग अलग प्रदेशों में किए हैं। लखनऊ में पिछले दो साल के अंतर्गत ये लोग करीब 3 बड़ी घटनाएँ किए हैं, जिसमें घर के व्यक्तियों को बंधक बनाते हुए सारे वैल्यूबल जो है उसमें उसको लूटे हैं और तत्काल ये लोग वापसी अपने देश में कर लेते हैं। वहीं पे फिर वहाँ से फिर एक थोड़े दिन बाद जब उनके जो उनके विरुद्ध जो कार्रवाई होती है उसको थोड़ी धीमा करते हैं। नगर लखीमपुर खीरी में रविवार को अपने निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश रमाकांत निषाद जनपद खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील निघासन के ग्राम सिंघा खुर्द पहुंचकर मृतक श्याम सुंदर और निघासन कस्बे के मृतक पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों से मुलाकात की। निषाद ने मृतक के परिजनों से आर्थिक सहायता के चेक मिलने की पुष्टि की। इस दौरान उन्होंने परिवारजनों से परिवार के अन्य सदस्यों के संबंध में जानकारी भी ली। उन्होंने परिवार से कहा कि सीएम ने उन्हें आपसे मुलाकात के लिए भेजा है, सरकार पूरी तत्परता के साथ साथ खड़ी है। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।